हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मलाई। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मटर ले लिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है 2 बारीक कटा टमाटर, 2 बारीक कटा प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने कद्दूकस कर लिया था। यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मलाई, है मेरे घर की मलाई है। तड़के के लिए हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 3 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा कसूरी मेथी। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें सबसे पहले तड़का ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और हम इसमें अदरक डाल देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक हम पहले ही ऐड कर दिए हैं ताकि टमाटर मेरा अच्छे से गल जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। टमाटर गल चुके हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे मसाला और हल्दी का पेस्ट जो हमने पहले से बना के रखा था। इसी में हम मटर को भी ऐड कर देंगे ताकि मटर अच्छे से पक जाए। इसको हम ढक के पका लेंगे 5 मिनट। मटर अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें मलाई ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम तेज ही रखेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो मलाई मेरी फट जाएगी। इसको पका लेंगे अच्छे से। अभी पक चुका है, इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसे हम खाने के लिए सर्व कर देंगे। टेस्टी मटर मलाई बनके तैयार है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे हम रोटी, चावल, पूरी, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा बना हुआ है। थैंक यू ऑल।